एमपी में बसों से भी शराब की तस्करी हो रही है। आबकारी विभाग ने इस तरह के एक मामले का खुलासा किया और कहा अभी पहला प्रकरण सामने आया है, अब बसों पर भी सख्त निगरानी की जाएगी। भोपाल में आबकारी विभाग ने एक प्राइवेट बस से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। आबकारी अधिकारी सजेंद्र मोरी का कहना है कि इस तरह के ये पहला मामला है कि किसी निजी बस से शराब की तस्करी की जा रही है। ये बस रोजाना भोपाल से मंडीदीप चलती है। आबकारी अधिकारी का कहना है कि और भी बसों पर हमने नजर रखी हुई है, साथ ही आबकारी विभाग अब अन्य विभागों की तरह शहर के नाकों पर बैरिकेटिंग कर बसों की जांच करेगा। फिलहाल शराब तस्करी करने वाली बस को विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार में ले लिया गया है। वैसे बस का मामला पहला ही, और इससे पहले भी कार्रवाई होती रही, पर बस पहली बार जब्त की गई इसमें। और कल काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीहोर, विदिशा, रायसेन से बसों में शराब की तस्करी, तो हमने अलग अलग टीमें बनाई उस तस्करी को रोकने के लिए, और इसी तरह से हमें हमको कल एक सफलता मिली है। और बस नंबर है MP04PA1856 से हमें 45 लीटर शराब जब्त की गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।